हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट सेट मेजरमेंट। यूनिट सेट मेजरमेंट, कॉपी निकालो और स्टार्ट कर, नोट्स पर प्रिपेयर करना। तो यूनिट सेट मेजरमेंट चैप्टर का नाम है। तो मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट? तो क्या होता है कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज आर स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी as with respect to reference standard. This reference standard is called unit of that particular physical quantity. Measurement basically क्या है? Comparison with किससे? Reference standard से, है ना? जैसे मान लो सपोज आपके पास क्या है कि ये डेस्क की लेंथ क्या है मेजर करने का, आपके पास स्केल है, तो हम स्केल को लेते हैं 1 time 2 time 3 times करके कंपेरिजन करते हैं, इसके सामने लगाते हैं। जैसे ये यहाँ से आता है, इसे 1 2 3 ऐसे कर करके उसको हम कंपेयर कर करके उसकी लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट इज बेसिकली क्या है, कंपैरिजन विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। किसी स्टैंडर्ड से उस बॉडी को क्या करना, कंपेयर करना। अब जैसे आपको कोई क्या चाहिए, सब्जी लेने जाते हो, आलू चाहिए किलो सपोज, है ना? तो आप क्या करोगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड जो 1 kg वेट होता है उससे क्या करेंगे, कंपेयर, है ना? तो मेजरमेंट इज बेसिकली क्या है, कंपैरिजन विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को ही उसकी क्या कहते हैं, यूनिट, है ना? जिससे कंपेयर करते हैं, जैसे केजी से कर रहे तो केजी उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। स्केल से कर रहे हो तो स्केल जो सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर उसकी यूनिट हो गई। अगर जो मीटर से कंपेयर कर रहे हो तो मीटर उसकी यूनिट हो जाएगी। तो जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन याद है, मेजरमेंट इज क्या बताएंगे, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज आर स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी एज कंपेयर टू अ बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट कैसे चूज करते हैं, तो किसी को भी यूनिट हम लोग बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 1 kg कितना वजन है, तो जितना इंडिया में है उतना ही आप यूएस में ले लो, कहीं भी ले लो, 1 kg वेट, 1 kg वेट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। पेरिस में एक साइंटिस्ट लैब है, वहाँ पे वेट्स को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि वो किसका क्या है, है ना? अमाउंट को हम लोग कितने अमाउंट को 1 kg कहेंगे या कितना लेंथ को 1 meter लेंथ, वो फिक्स किया जाता है, वो इंटरनेशनली हर जगह से, ताकि कोई भी सामान एक्सचेंज करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज आर स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज एज कंपेयर टू बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अ यूनिट कैन बी चूज, है ना, ऑर्बिटरली, बट इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, है ना, बट इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ठीक है, 1 kg वेट जितना यहाँ है उतना ही अदर कंट्री में भी होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ मेजरमेंट क्या है। तो क्या बताएंगे एक लाइन में डेफिनेशन, मेजरमेंट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज आर स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी एज कंपेयर्ड टू अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। मेजरमेंट बेसिकली क्या है, कंपैरिजन, किससे, किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से, और जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, यूनिट। अब जैसे आपको अपना वजन लेना है, वेट करना है, ना, तो जो वेट रखते हो उसे आपका क्या है, कंपैरिजन। ठीक है, और सपोज आप लेंथ लेते हो तो इसके वो लाते हो ना मीटर, उसको कितना 165 centimeter है या 170 है या 180 है, तो कंपैरिजन से ही तो पता चलता है ना। तो मेजरमेंट इज बेसिकली क्या है, कंपैरिजन विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन, किससे, रेफरेंस स्टैंडर्ड से। और फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते हो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बता सकते, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट। द क्वांटिटीज विच कैन बी विच कैन
instrument. Measured by an instrument. जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उन सब क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी Magnitude of any physical quantity is the product of numerical value into size of unit. Numerical value or a size of unit. Magnitude of any physical quantity is the product of numerical value into size of unit. Example में suppose आपके पास लेंथ ऑफ अ वायर सपोज 10 मीटर है, तो 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है? यूनिट। ठीक है, तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ यूनिट का प्रोडक्ट ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। अगर तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करोगे तो साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज हो जाए मेजर्ड वैल्यू, और साइज ऑफ यूनिट बढ़ा दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ यूनिट, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सपोज मान लो इसी को हम लोग यूनिट को कम किया जाए, इसको यूनिट को कम करते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर में ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। साइज ऑफ यूनिट कम हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, और अगर जो आप साइज ऑफ यूनिट बढ़ा दो मीटर की बजाय किलोमीटर कर दो तो क्या हो जाएगा? 10 बाई 1000 करोगे तो ये किसमें बनेगा? किलोमीटर में। तो ये 0.01 किलोमीटर दिया। ये देखो साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हुई, और न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज, साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। अगर तो कोई मेजर्ड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट किसका होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट। तो साइज ऑफ यूनिट बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, यूनिट का साइज कम करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और फार्मूला भी इसे बना सकते हैं, n1 u1 = n2। ठीक है, जैसे pv = कांस्टेंट होता है वन स्क्वायर, तो p1 = p2 सिमिलर। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जो है टू टाइप्स की होती है। एक तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स की। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये इनको बेसिक क्वांटिटीज भी है। बेसिक क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटीज विच कैन विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे बताएंगे, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट आर ऑल बेसिक क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटीज विच कैन ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल, जो फंडामेंटल से ड्राइव की जाए वो ड्राइव, समझ गए ना, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज, या कह सकते हो द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल, ठीक है, डायरेक्ट क्वांटिटीज क्या है, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, द क्वांटिटीज विच कैन डायरेक्ट फ्रॉम फंडामेंटल, ठीक है बेटा, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, तो डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, द मेजर क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते थे, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या उनको क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फर्स्ट आप क्या लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, luminous intensity और amount of substance, ये आपके पास 7 fundamental quantities हैं, जैसे length किसी से मीटर बना क्या, length किसी पे depend करता नहीं है ना, अब जैसे हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, लेंथ और टाइम, तो लेंथ और टाइम दो मिलके स्पीड बनता है, तो स्पीड किसमें आएगा, ड्राइव, क्योंकि वो फंडामेंटल से ड्राइव स्पीड है ना, लेकिन जो किसी पे डिपेंड ना करे, बेस है वो बेसिक क्वांटिटीज, तो बेसिक क्वांटिटीज कितनी होती है आपके पास, 7 फिजिक्स है ना, तो पहले तो समझ आ गया फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स, बेसिक क्वांटिटीज और ड्राइव, बेसिक क्वांटिटीज क्या है, किसी दूसरे पे डिपेंड ना, और जो इन्हीं से ड्राइव की जाए वो सब ड्राइव, ठीक है, तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सब ड्राइव, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में फर्स्ट आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल, और हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हर एक की एक बेसिक रेफरेंस यूनिट होता है, ताकि यूनिट फिक्स कर दीजिए, जिससे डेली टू डेली लाइफ में हमारे ये चीजें इजी हो जाए, अब हम लोग दूध लेने जाते हैं तो लीटर में ही मांगते हैं, कभी ऐसा तो नहीं कहते एक लीटर दूध दे दो काउंटर से डाल देगा, समझ गए ना, हर एक स्पेसिफाइड यूनिट है, उसी को उसकी क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स है ना, तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 और फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें,
यूनिट्स को हर एक के लिए लेंथ की यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर। ठीक है, फिर इसमें 7 याद रखते हैं, बाकी सब यहीं से डिराइव होते हैं, है ना। तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, है ना। टाइम इसमें देखो सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें लेते हैं मोल। तो ये आपके पास यूनिट है, के सिंबल भी ध्यान रखना है। सिंबल तो लेंथ के लिए क्या सिंबल लेते हैं, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी। तो ये जो फर्स्ट थ्री है 11th में ज्यादा यूज होती है, सबके फर्स्ट लेटर से लेते हैं, है ना, और उसके बाद यूनिट के फर्स्ट लेटर से। तो टेम्परेचर के लिए क्या, केल्विन के, और एम्पियर के, और कैंडेला सीबी, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ऐसा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल यूनिट, क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल्स। ठीक है बेटा, तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऑल आर, बाकी सब डिराइव्ड हैं। तो लेंथ आप जानते हैं, लेंथ, मास, है ना, टाइम, टेम्परेचर, समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो चार्ज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, यूनिट एरिया में पर सेकंड कितना लाइट इंसिडेंट होता है, वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। जैसे जितना सीएफएल के पास जाएंगे तो पर सेकंड के पर यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया में पर सेकंड कितना लाइट आता है, वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, लाइट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, तो पढ़ेंगे डिटेल में। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल में लेते हैं, बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज होता है। वैसे देखा जाए तो मास और इसमें क्या है, काउंटिंग के लिए यूज होता, क्या डिफरेंस है ना, मास भी अमाउंट है और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023×10^23 एटम होते हैं, तो काउंटिंग के लिए विशेष है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई मास भी तो अमाउंट ही है ना, लेकिन इसके क्या डिफरेंस है, किसके लिए यूज होता है, कितने मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स, है ना, 1 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में कितने होंगे, तो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये याद रखनी है, 7 फंडामेंटल क्वालिटीज किस पे होना चाहिए, तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा, है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब की यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें, और 7 सिंबल्स हो गए, और ये ध्यान रखना है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपके पास हमने क्या बताया, फिजिक्स में 7 छोड़ दो, बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में कोई भी ले लो डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे स्पीड, एग्जांपल स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो लेंथ और टाइम इन दो से मिल के बना है स्पीड, तो क्या है, डिराइव्ड। एक्सीलरेशन ले लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, वो भी इसी से बना है। फोर्स ले लो, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब इन्हीं फंडामेंटल से ड्राइव करते हैं, तो बाकी सब डिराइव्ड है। इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, तो डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर और पर सेकंड। ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द यूनिट व्हिच कैन ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट्स, बेसिक यूनिट से ड्राइव करेंगे तो बेसिक यूनिट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है,
सेवन फंडामेंटल याद रखना है, बाकी सब कैसे हैं? राइट। तो कोई भी ले लो, बाकी सब किसमें आएंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज में आएंगे। अच्छा, दो क्वांटिटीज जो है और हम लोग यूज करते हैं जिनको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना, टू और यूज होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो है आपके पास, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की जाए तो इसकी यूनिट जो हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। प्लेन एंगल सिंपल सी बात करते हो आप, प्लेन एंगल सिंपल टू लाइंस के मिडिल का जो होगा दैट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। सिंपल दो लाइंस के मिडिल का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, है ना। एंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेते हो सबको सिंपली आप मान लो कि ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद हो तब। ठीक है बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क भी तो क्या है लेंथ ही है, और रेडियस मान लो इसकी आर है तो रेडियस भी मान लो डेल्टा एस आर है और रेडियस आर है, और ये मान लो डेल्टा थीटा एंगल बना रहा है तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बताओ, डेल्टा एस बाय आर। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, आर की यूनिट किसमें लेंगे मीटर, और रेडियस की किसमें लेंगे मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, इसकी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लोग इसका जो है मेजरमेंट के लिए यूनिट रेडियन ने एंगल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट क्या है रेडियन। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो क्या है बताओ रेडियन। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है कौन है रेडियन, सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम फंडामेंट बेसिक से इसकी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल अगर तो कंपैरिजन करना चाहो तो वैसे ही है जैसे कि मान लो सपोज आपके पास कोई 12th में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कंपार्टमेंट आता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, समझ गया ना। तो वैसे ही सप्लीमेंट्री एग्जाम है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जैसे ही है कि फर्स्ट टाइम यूनिट से मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो न्यूटन ने फिर इससे रेडियन में इसकी यूनिट क्या बताया, रेडियन एंगल, प्लेन एंगल, सिंपल दो लाइन से मिडिल का जो एंगल है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है तो इसका यूनिट तो समझ गया होगा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन, और इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो इससे रेडियन क्या होती है, इससे रेडियन। सॉलिड एंगल क्या है, थ्री डायमेंशनल बात है, थ्री डायमेंशनल, कोई स्फीयर है स्फीयर और इस स्फीयर का एक पार्ट फ्लैट कर, समझ गया इसको अलग करो, ये सरफेस एरिया जो ये एंगल बना रहा होगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सरफेस एरिया मान लो सरफेस एरिया डेल्टा ए है और ये यहां पे डेल्टा ओमेगा सेल्फ एंगल है और ये मान लो रेडियस आर है तो डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये सॉलिड एंगल। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर, तो एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर और उधर रेडियस मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट कैंसिल हो जाती है तो मेजरमेंट के लिए क्या लेते हैं इससे रेडियन लेते, समझ गए ना। कोन सॉलिड एंगल का सिंपल एग्जांपल कोन वाली आइसक्रीम खाया है ना, तो जो नीचे छोटा सा सर्कल ही बनता है कि दो लाइन दिखती, लाइन तो नहीं दिखती, दो नीचे पूरा सर्कल टाइप का ही है तो वो जो पूरा एंगल है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ये पूरा। या हम इसका और बना सकते हैं सॉलिड एंगल के लिए, ये प्लेन एंगल तो समझ गए आसान सी बात थी, सॉलिड एंगल कोई भी जैसे हमने मान लो आपके पास एक एरिया ले लिया, इसका एरिया डेल्टा ए है,
ये जो ऐसे बनता ना, ये क्या है? सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमने कोई पार्ट है, जैसे वाटरमेलन खाते, वाटरमेलन तो वाटरमेलन से एक पीस कट करो तो उसको हटाओ, जो एंगल सेंटर पे बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब समझो सिंपल दो लाइन से मिडिल का एंगल है तो प्लेन एंगल। अब वाटरमेलन को चारों तरफ से काटा, दो लाइन तो नहीं, चारों तरफ से काटा तो वो जो एंगल बन रहा है वो क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल केवल किसके लिए बात होती है? थ्री राइट एंगल्स, जैसे स्फीयर एक हमने एक कोन से अलग किया तो जो कोन का कोन क्या दो लाइन होती है, कोन में भी तो नीचे सर्कल टाइप का ही होता है, वो क्या है? सॉलिड एंगल, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपसे तो सिंपल वन मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, राइट द नेम ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या बताएंगे? रेडियन एंड स्टेरियन, रेडियन एंड स्टेरियन, और इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, है ना। चलो डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन क्या होता है? इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, है ना। ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होती है, है ना, उसको कहते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन से हमको ये पता चलता है कि इस ड्राइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी यूज हुई हो, कितने टाइम्स यूज हुई, है ना। तो जैसे सपोज मान लो आपके पास स्पीड वाला जैसे हमने ड्राइव यूनिट लिया था, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइव यूनिट्स द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के लास्ट लेक्चर तक डायमेंशन होते हैं।
हर जगह, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, है ना। तो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में जैसे है ना पावर है, फोकल लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन। तो ध्यान रखेंगे ये हर चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे हर एक डायमेंशन भी हम लोग को याद होती रहेगी। अभी आप केवल एनसीईआरटी में देखोगे तो डायमेंशन लास्ट में दी गई है, तो स्टार्टिंग का 20 आप कम से कम ध्यान रखें। फॉर्मूले होंगे तो डायमेंशन बना सकते हो आराम से, ठीक है। स्टार्टिंग का 20 क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा, न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए गए है ना, और डायमेंशन से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना किसको कहते हैं, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। पावर्स, पावर्स जो टर्म है उसकी पावर क्या है, जीरो। जैसे आपके पास वेलोसिटी डायमेंशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, प्रेशर से पहले चलो एरिया की डायमेंशन, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, है ना। तो छोटे छोटे इंपल्स मोमेंटम की या इंपल्स की वर्क, वर्क डन, एनर्जी एक ही आएगी जो दोनों यूनिट सेम है ना, पावर। तो ये ज्यादा यूज होती है वो हम लोग देख रहे हैं। बताओ अच्छा वेलोसिटी, वेलोसिटी के यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड यूनिट होता है तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, बताओ मीटर पर सेकंड डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह, तो एल नहीं तो एम, नहीं तो एम जीरो, एल वन टी माइनस वन। वेलोसिटी तो स्पीड की जो यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट सेम निकाल सकते। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या यूनिट होता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। पावर्स को कहते हैं डायमेंशन, पावर से पता चलता है कितने टाइम्स यूज होगा, न्यूमरेटर में यूज होगा, ठीक है। अब फोर्स, फोर्स क्या यूज करते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एम और एक्सीलरेशन ये है एल टी माइनस टू, तो ये फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला। एरिया, एरिया क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या बनता है बताओ, एल स्क्वायर। वॉल्यूम यानी क्यूब हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, मेजर तो तीनों को मीटर में ही करेंगे ना, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या लेते हैं फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या है एमएल टी माइनस टू फॉर्मूला, एरिया यानी स्क्वायर, क्या आएगा एमएल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m और वॉल्यूम l, तो कितना आ जाएगा m l माइनस t, ये डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी। अब मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो m और वेलोसिटी l की माइनस का, तो ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, मोमेंटम। वर्क क्या है, एनर्जी, तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट एल, तो कितना आ जाएगा बताओ, एम एल टू टी माइनस टू, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगा, वन और वन कितना हो जाएगा टू, तो एनर्जी या वर्क डन की क्या होगी डायमेंशन, एम एल टू टी माइनस टू। अब पावर चाहिए तो पावर क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन एम एल टू टी माइनस टू और टाइम टी, तो फाइनली कितना आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ऐसा ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा तब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे डायमेंशन पे, है ना। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में एक टेबल होगा, उस टेबल के स्टार्टिंग का 25 डायमेंशंस, आप डायमेंशन मत रखना, फॉर्मूले याद, तो डायमेंशन ऑटोमेटिक बना लेंगे आप, है ना। तो जैसे इसकी यूनिट पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
निकला है और एमएलटी की सीक्वेंस पे रखते ध्यान है ना। और एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स मास कर लेंगे ना, एरिया वॉल्यूम वैसे प्रेशर डेंसिटी मोमेंटम वर्किंग वर्क और एनर्जी से भी आएगी पावर निकाल सकते हैं ना। तो स्टार्टिंग का 20 आप पढ़ेंगे तो कल इसका डायमेंशन का कैसे यूज करके हम लोग और कुछ पॉपुलर टर्म है उनकी डायमेंशन हम आपको पहले बताएंगे है ना। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, सपोज आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो फर्स्ट फॉर्मूला याद रखो एफ इक्वल टू क्या होता था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसी डायमेंशन चाहिए तो g इक्वल टू क्या बन जाए f r स्क्वायर बाय m1 m2 ठीक है। तो रख लो बेटा तो f क्या बन जाएगा m l t माइनस 2 ये n स्क्वायर और नीचे m और ये क्या बन जाएगा कितना बन जाएगा m माइनस 1 l 2 l 3 बन जाएगा ये और तो ये l 3 और t माइनस 2 ऐसे ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हैं और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी वो तो उनमें तो रेशियो से कैंसिल हो जाती है, यूनिट उनकी तो यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, दोबारा बनाई थी रेडियल और स्टेरेडियल। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कैसी होती है, डायमेंशन लेस, जैसे एंगल है आर्क बाय रेडियस, आर्क मीटर में या नीचे भी रेडियस मीटर में कैंसिल। तो ध्यान रखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस है तो क्या लिख सकते हो, m0 l0 t0 नहीं, डायमेंशनलेस है तो पावर 0 0 हो जाए तो भी पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। तो थोड़ा सा ये टर्म जितना हमने बताया उतना ध्यान रखेंगे डायमेंशंस इस बच्चेस याद करेंगे ठीक है। तो कल हम लोग इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे डायमेंशन का यूज तो अच्छा रहेगा है ना। चलिए फिर आज के लिए।